जो ये वाली सैटेलाइट है ये बैंगलोर से ऑपरेट होती है, और एक इधर ये जो आपको दिख रही है ये छोटे वाली, ये आईआईटी बॉम्बे से ऑपरेट होती है डायरेक्टली। और अब करेंटली ये 7th हाईएस्ट है, सबसे बड़ी चिली में है करेंटली जो है। ये चल रही है एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, लॉक लगने के वजह से अब गाड़ी को इधर से उतारना पड़ा। भाग पड़ा। हेलो हेलो, इतनी सुंदर सी थी रोड, मजा आ गया देखने। यहाँ पे आना पड़ी थी। तो शाम के टाइम देखना, शाम के टाइम में क्या रहेगा, गैलेक्सी दिखेगी क्या होगा, अगर वो हो गया ना मजा आ जाएगा। बस सारी मैं एक मेरे साइड में बैठी हूँ, मैं शानदार जगह है, एक कैसे सीनरी बना दी हो जैसे, सुपर बिल्कुल। दूर दूर तक खाली मैदान और पहाड़, पहाड़ों के ऊपर किसी किसी पहाड़ पे बादलों की परछाई भी आ रही जो बहुत ही नीचे है, कुछ पे शेडो। इतनी सुंदर सीनरी, मजा आ गया देख के। और ये ऊपर देख रहे हो ये मोनेस्ट्री है यहाँ की, हम इसमें भी जाएंगे आज या आज वरना तो कल, क्योंकि आज का हमारा स्टे हानले में ही है। आगे चलते हैं आपको और दिखाते हैं कहाँ पे हम रुकेंगे या क्या क्या करेंगे आज। फाइनली वी हैव रीच्ड हानले, और अभी ये चेक पोस्ट पड़ा है एक, यहाँ पर एंट्री वगैरह होगी और परमिट चेक होगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी हम पता कर रहे हैं एक जगह और जाना है हमें, अगर इस टाइम जाना पॉसिबल हुआ तो ठीक है, वरना तो हम होटल जाके आसपास की जो एरिया है वो सब कवर करेंगे, फिर वहाँ पर हम कल जाएंगे। वरना अगर पॉसिबल हुआ तो आज पहले वहाँ पर जाके फिर उसके बाद कल यहाँ का लोकल सारा कवर करेंगे। अभी हम लोग रुके हैं ये यहाँ पे होम स्टे पे। यहाँ का सीन ये है कि 1000 रुपये पर पर्सन का यहाँ पे है रुकने का पर बेड। अगर आपको पूरा रूम चाहिए तो 5 बेड है उसमें, और 5 बेड का अगर दो लोग जैसे हम ले रहे हैं तो 4000 पड़ रहा है विद फूड, और अगर हम शेयरिंग में लेना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ पर हेड है विद फूड। और ऐसे काफ़ी सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे, बट ये ठीक लगा, ज़्यादातर सब सेम ही है और सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है आपको, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे आसपास घूमने। वो सामने है मोनेस्ट्री और हमारे इधर है वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, वो ऊपर जाके यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी, और ये शायद कुछ सैटेलाइट का ही कुछ सेटिंग का या कुछ सीन होगा यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको। अभी जाएंगे तो आपको और क्लोजली दिखाऊंगा वो। फिलहाल चलते हैं रूम में, लक्ष्य को एंड ड्रॉप कर दिया था इधर ही, गाड़ी खड़ी करके पहले पूछने गए थे, क्योंकि यहाँ पर अभी पीछे हमने पता किया था तो बोल रहे थे कि शायद रूम नहीं मिलेगा,
ऑक्यूपाइड है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, बट हमें यहाँ पे मिल गया आराम से। और एज सच कोई वो भी नहीं थी, क्योंकि हमें सिर्फ आज ही एक रात के लिए रुकना था यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे कल सुबह। यह हमारा होम स्टे एंट्री, सब जूते वगैरह बाहर ही निकाल लें। और ये इधर किचन और डाइनिंग एरिया, वॉशरूम, और ये है हमारा रूम जिसमें 5 बेड्स हैं। अगर पूरा चाहिए तो 4000 और सिंगल शेयरिंग पे 1000 इंक्लूडिंग फूड। आंटी वाईफाई है। ये भी हमारा होम स्टे का, वो वहाँ पे ऊपर है ऑब्जर्वेटरी, और इधर घूमेंगे थोड़ा तो वो है मॉनेस्ट्री। एक यहाँ हैंडपम्प लगा हुआ है, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल फिल करेंगे, हम अपने साथ लेकर आए थे, और फिर दोनों जगह जाएंगे और एक बार लोकल मार्केट भी जाएंगे देखने, थोड़ा और एक्स्ट्रा फ्यूल अपने साथ रखेंगे और कुछ खाने के लिए लेके आएंगे स्नैक्स वगैरह। अभी हम लोग आने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही लेट गए थे कि 5-10 मिनट में चलेंगे, और इतनी अच्छी नींद आई, इतनी सुकून भरी नींद थी वो। 1 घंटा सोए हम मस्त पूरा, और अब बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो गए कि अब हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। इतनी शांति थी कि पता भी नहीं लगा कब सोए और कब उठे। उठने के बाद बिल्कुल बॉडी फ्रेश थी, इसलिए एकदम उठते ही हम निकल चुके हैं अब घूमने के लिए। यहाँ पे 2 या 3 जगह है, एक बार मार्केट में और चलेंगे, और फिर अपना सुबह का प्लान करेंगे, क्योंकि उमरिंगला जाने के लिए भी 3 रूट्स हैं, तो 3 में से हमें कौन सा लेना है वो अभी बैठ के डिसाइड करेंगे। उनको 3 लोग और मिले हैं जो पुणे के हैं, बॉम्बे और पुणे के, अब वो लोग भी सुबह उमरिंगला जाएंगे, तो होपफुली हम उनके साथ ही निकलेंगे। उनको शायद एक रूट के बारे में पता भी है, क्योंकि उनमें से किसी के एक फ्रेंड ने पहले वो कवर किया है, तो जिसको पता है उसके साथ जाना ठीक रहेगा, उनके साथ निकलेंगे और फिर वापसी अपना देखते हैं जैसे बनता है जो बनता है। ये आगे हम ऑब्जर्वेटरी के नीचे, और यहाँ अलग अलग चेम्बर टाइप बने हुए हैं, ये सब उसी से रिलेटेड है जो रिसर्च वर्क या कुछ भी होता हुआ। ये सोलार पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, और आई गेस ये सैटेलाइट या कुछ है, बड़ी सी है जिससे वो रेंज वगैरह के लिए बहुत ही बड़ी है ये साइज़ में देखने में। और रुक के दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो बहुत बड़ी है साइज़ में, और ये सब रूम्स शायद से अभी बंद है, ये भी सैटेलाइट्स ही हैं शायद। और वहाँ में ऊपर जाना है, चल के देखते हैं क्या है ऊपर। ये टॉप एंड व्यू वहाँ नीचे का जहाँ से हम अभी आए हैं, और ये यहाँ पर ऊपर है ऑब्जर्वेटरी मेन। देखते हैं अगर कुछ देखने के लिए मिला तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी, अभी देखते हैं अंदर जाने का कहाँ से है। और कभी नहीं सोचा था ऐसे ऑब्जर्वेटरी में बैठने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट लेवल है। यहाँ तो कंप्यूटर ही कंप्यूटर लगे हुए हैं, टाटा स्काई भी चल रहा है, हीटर भी है। ये यहीं रुकते हैं, और बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वीट आदमी है, अपने आप देख के बुला लिया कि आ जाओ अंदर। और ये आने के बाद आपको एक स्लाइड शो देखने के लिए मिलेगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं यहाँ के बारे में डिटेल से, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे क्या सब है। अभी हम वही देखते हैं, फिर आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या है, ब्रीफ दे दूँगा आपको मैं एक। ये सब चीज़ जो आप देखोगे अभी, ये सब चीज़ ऑब्जर्व यहाँ से टेलीस्कोप से हो चुकी हैं। इसका नाम हिमालयन चंद्रा है वैसे टेलीस्कोप का, ये सब हैं, ये आप देख सकते हो, इनके नाम भी आ रहे हैं।
सुपरनोवा, मिल्की वे, पार्ट ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, इट इज वन ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, 200 to 400 billion stars. Oldest known star, 13.2 billion years, mass 5.8 into 10 to power 11 suns distance. आएगा एंड्रोमेडा, ये तो हमने नाम भी नहीं सुने कभी. ये शाम को 7:30 से सुबह 4:30 मॉर्निंग तक इसका ये ओपन होगा ऊपर से चेंबर, और फिर ये रोटेट होता रहता है गोल गोल. तो आज हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली अबाउट हाफ द एटमॉस्फेयर ऑन द, और ये रोटेट होने के बाद हम देखते हैं, हम अगर रुकेंगे यहाँ पे तो हम आपको ये ओपन हुआ वर्क दिखाएंगे कैसे वर्क करता है कैसे नहीं. तो यही था बस इसमें. अभी चलते हैं हम ऊपर, ऊपर जाके भी टेलीस्कोप वगैरह वो सब है तो वो देखने के लिए उन्होंने बोला था कि आप पहले नीचे प्रेजेंटेशन देख लो आराम से और फिर उसके बाद ऊपर आ जाओ. यहाँ पे भी WWE चल रही है. ये वो चेंबर जो ओपन होगा. इसमें तीन मिरर्स हैं जो इसको इमेज बना के देते हैं प्रोसेस करके, और फिर ये जो सारा चैम्बर है ये पूरा गोल रोटेट होता रहता है जब ये होता है, फिर यहाँ से ये सारा कैप्चर करता है इमेजेस और फिर इसमें प्रोसेस करके नीचे कंप्यूटर पे चला जाता है. नेक्स्ट लेवल थिंग है, जो भी आए यहाँ ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल एक अलग चीज़ देखने के लिए. अब फिंगर्स क्रॉस्ड है कि हम 7:30 तक यहाँ रुके तो एक बार हम इसको ओपन होकर रोटेट होता देख सकें, वेदर अगर क्लियर रहा तो. जो ये वाली सैटेलाइट है ये बैंगलोर से ऑपरेट होती है, और एक इधर ये जो आपको दिख रही है ये छोटे वाली, ये IIT बॉम्बे से ऑपरेट होती है डायरेक्टली. इसमें कोई आदमी को नहीं छोड़ के रखना पड़ता, इसमें एक जने को छोड़ के रखना पड़ता है मैंडेटरी. अगर कोई इशू आता है तो फिर वो रिजॉल्व कर लेते हैं बता के कि कैसे क्या ये दिक्कत है. और ये बड़ी है, 2000 में ये वर्ल्ड की हाईएस्ट थी, फिर ये सेकेंड हाईएस्ट हुई, और अब करेंटली ये 7th हाईएस्ट है, सबसे बड़ी चिली में है करेंटली जो है. इसमें 3 मिरर है, और जो नीचे मैंने आपको दिखाई थी वो भी सारी सैटेलाइट्स ही हैं बट वो छोटी हैं साइज में. ये था बस, बाकी अंदर की वीडियो मैंने बीच में डाल दी थी वो आप देख सकते हैं, जिसमें अंदर आपको वो टेलीस्कोप दिख सकता है अच्छे से. ये वो छोटी सैटेलाइट जो IIT बॉम्बे से ऑपरेट होती है, और इसमें भी जो आपको चेंबर दिख रहा है ऊपर वो ओपन हो जाता है. इनकी शायद दोनों की टाइमिंग ही 7:30 है, 7:30 to 4:30. तो अगर हम रुकना चाहते हैं यहाँ रुक भी सकते हैं, बट उसका कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये वैसे टेलीस्कोपिक नहीं है, इसमें देखने के लिए कुछ लेंस नहीं है कि दिखेगा. वो तो जो भी पिक्चर्स क्लिक होंगी वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे जाती हैं, इसलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं. यही बंद कर दिया अंदर. नया कार्ड छोड़ के जा रहा मैं इनके पास. ओ भाई बढ़िया वाला कट चुका हमारा. यहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह ऐसे नहीं लिखी थी, और ये भाई साहब कोई गेट बंद करके चले गए यहाँ पे ताला मार के. पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएंगे कुछ नहीं पता है, ना यहाँ नेटवर्क है ना कुछ है, और यहाँ खड़े हुए हम ना यहाँ से गाड़ी उतार सकते हैं.
बढ़िया प्रॉपर्टी हो गया। ये देखो ये आ गया रेलवे, वहीं कहीं हमारा नीचे होम स्टे है। पर ये गाड़ी वाले हो रहे हैं वो कैसे जाएंगे, उनकी तो हमारे से भी नीचे है। वो बट कट गया है तो ये एंजॉय करो, हवा के मजे लो, और क्या करेंगे फिलहाल, इतने कोई नहीं आता। उधर काट अपने साइड, ये चल रही है एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। लॉक लगने के वजह से अब गाड़ी को इधर से उतारना पड़ा, होने का फायदा।